गाइस, अगर आप लोग कार रेसिंग गेम्स के फैन हो और आप लोग फॉरजा होराइजन 5, द क्रू मोटरफेस्ट और ग्रीन लेजेंड जैसे कार रेसिंग पीसी गेम्स को अपने मोबाइल फोन में खेलना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि गाइस फाइनली अब एक ऐसा मोबाइल गेम रिलीज हो गया है जो कि गाइस इन कार रेसिंग पीसी गेम्स से 100 टाइम्स बेटर है। एंड इस गेम को खेलने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक मोबाइल गेम खेल रहे हो, क्योंकि इस गेम का एक्सपीरियंस और ग्राफिक्स आपको सेम टू सेम पीसी गेम जैसे देखने को मिल जाते हैं। तो वो गेम कौन सा होने वाला है, आप लोग उस गेम को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को पूरा जरूर से देख लेना, तभी आप इस गेम को अच्छे से डाउनलोड कर पाओगे और सारी इन्फॉर्मेशन समझ पाओगे। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, मैं हूँ मिस्टर ईगल। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, प्ले स्टोर पर ढेरों कार रेसिंग गेम्स हैं, पर उन गेम्स में वो बात नहीं है जो कि एक पीसी गेम में होती है, क्योंकि वहाँ आपको रियलिस्टिक ग्राफिक्स मिल जाते हैं, रियलिस्टिक गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है और मस्त मस्त लोकेशंस मिल जाती हैं। लेकिन गाइस, जो गेम मैं आपको बताने वाला हूँ वो है तो एक मोबाइल गेम, पर वो किसी पीसी गेम से कम नहीं है। तो उस गेम का नाम है नीड फॉर स्पीड मोबाइल। अब गाइस, कई लोग इस नाम को सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गए होंगे, क्योंकि गाइस ये गेम जब फर्स्ट टाइम बीटा टेस्टिंग में आया था तभी काफी सारे लोग इस गेम के फैन हो गए थे। तभी ये गेम सिर्फ चाइना रीजन में आया था, जहाँ पर आपको इस गेम में लॉगिन करने के लिए वीचैट या क्यूक्यू अकाउंट की जरूरत पड़ती थी, जो कि हर किसी के पास नहीं होता है, जिसकी वजह से काफी सारे प्लेयर्स को इस गेम में लॉगिन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन गाइस, जब से ये गेम 3 कंट्रीज में ओपन बीटा रिलीज हुआ है, तब से इस गेम में आप 5 मेथड से लॉगिन कर सकते हैं। आप गरीन अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, लाइन अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं या गेस्ट अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। अब गाइस, इस गेम को आप लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हो, तो इस गेम को आप या तो टैप टैप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या कोई भी चाइनीज वीपीएन लगा के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरी तरह आलसी हो और आलस में कुछ भी डाउनलोड नहीं कर पाते हो, तो मैंने इस गेम की डाउनलोड लिंक कमेंट सेक्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप लोग इस गेम को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद आपको इस गेम को ओपन कर लेना है, एंड ओपन करने के बाद आपको फिर से अपने डाटा की कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि 800 MB की फाइल फिर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको गेम के पेज को हटा देना है और प्ले स्टोर पर जाकर इस VPN को डाउनलोड कर लेना है और चाइना हांगकांग के सर्वर से कनेक्ट कर लेना है और वापस से अपने गेम को ओपन कर लेना है, जहाँ पर आपको लॉगिन करने के कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे सिंपल मुझे गूगल अकाउंट लगता है, तो गूगल अकाउंट से आप लोगों को लॉगिन कर लेना है और मजे से इस गेम का लुफ्त उठाना है। और हाँ गाइस, एक बार लॉगिन होने के बाद आप लोग VPN को डिस्कनेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। अब गाइस, रही बात इस गेम के साइज की और कुछ रिक्वायरमेंट्स की, तो इस गेम का साइज 3.82 GB है, जो कि गेम में कुछ एक्सपेंशन पैक वगैरह डाउनलोड करने के बाद अराउंड 6 GB के आसपास का हो जाता है। तो अगर आप लोगों के फोन में 3 GB से ऊपर रैम है और 6 GB तक फ्री स्पेस है, तो आप लोग इस गेम को खेल सकते हो। और रही बात इस गेम के ग्राफिक्स की, तो इस गेम में आपको अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को एकदम रियलिस्टिक बना देते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक मोबाइल गेम खेल रहे हो, आपको लगेगा कि आप फॉरजा होराइजन 5 जैसा कोई पीसी गेम खेल रहे हो। साथ ही इस गेम की बात करें तो इस गेम में आपको एक बहुत बड़ी ओपन वर्ल्ड सिटी मिल जाती है, जहाँ पर आपको लोकेशन एक से एक बेहतरीन मिल जाती है। गेम में आपको ऑनलाइन प्लेयर्स भी मिलते हैं, जिनको आप फ्रेंड बना सकते हो, उनके साथ आप रेसिंग कर सकते हो या उनके साथ आप बातें भी कर सकते हो। गेम में आपको स्टोरी मोड के साथ साथ काफी सारे ओपन वर्ल्ड मैप्स भी मिल जाते हैं, जिनको आप एक्सप्लोर करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ रेसिंग भी कर सकते हो। तो गाइस, ये गेम सच में कमाल का है, जाओ जल्दी से इस गेम को ट्राई कर लो। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।